हाँ जी दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के रोगी को कैसा आटा खाना चाहिए देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक बात समझाता हूँ अगर आप इस बेसिक बात को समझ जाएंगे तो आपको किसी से भी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा आटा खाना चाहिए आटे के अलावा और कौन कौन सी चीज आपको खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए आप उस चीज को भी समझ जाएंगे और आपको किसी से भी आज के बाद पूछना ही नहीं पड़ेगा कि डायबिटीज वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो जो डाइट का बेसिक फंडा है वह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ देखिये मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मान लीजिए आपने एक सौ ग्राम कोई चीज खाई कोई भी उदाहरण के लिए और वह जो चीज है वह आपके पेट में जाने के बाद आधे घंटे में ही हजम हो जाती है या मान लीजिए एक घंटे में पूरी तरह से पच जाती है जब ऐसा होगा तो उस चीज में मौजूद जितनी भी कैलोरीज होंगी, जो भी शुगर होगी वे आपके खून में मिल जाएगी और आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा इसके विपरीत अगर आप कोई ऐसी 100 ग्राम चीज खाते हैं जो आपके पेट में जाने के बाद तुरंत हजम नहीं होती उसे हजम होने में कुछ समय लगता है मान लीजिए उसे हजम होने में दो घंटे लग गए या तीन घंटे लग गए तो उस चीज में जो शुगर मौजूद थी वह एकदम से आपके खून में नहीं पहुंची वह चीज धीरे धीरे हजम हो रही है और वह शुगर को धीरे धीरे छोड़ रही है जिसकी वजह से शुगर धीरे धीरे आपके खून में मिल रही है अगर ऐसा हो रहा है तो आपका ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के बाद एकदम तेजी से शूट अप नहीं करेगा वह धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब नॉर्मल रेंज में रहेगा तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको कैसी चीजें खानी चाहिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जो एकदम से तुरंत हजम ना हो बल्कि धीरे धीरे हजम हो क्योंकि अगर कोई चीज जल्दी हजम हो जाएगी तो वह अपनी पूरी की पूरी शुगर खून में रिलीज कर देगी आपका शुगर लेवल खाना खाने के बाद एकदम से शूट अप कर जाएगा एकदम से बढ़ जाएगा लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो धीरे धीरे हजम हो रही है लंबा समय ले रही है हजम होने में वह धीरे धीरे शुगर लेवल को छोड़ेगी और आपका शुगर लेवल धीरे धीरे राइज करेगा और आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा तो अब बात करते हैं कि ऐसी चीजें होती कौन सी हैं देखिए दोस्तों जिस भी चीज में फाइबर होता है वह चीज जल्दी हजम नहीं होती फाइबर यानी रेशा ऐसी चीज जो डाइजेस्ट नहीं होती तो जिस भी चीज में रेशा होगा फाइबर होगा वह खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि वह जिस चीज में मिला होता है उस चीज को भी हजम होने से रोकता है उस चीज को धीरे धीरे हजम होने देता है तो बस यही डायबिटीज का बेसिक फंडा है जैसे उदाहरण के लिए हम चावल की बात करें तो जो नॉर्मल चावल आता है वह एकदम से हजम हो जाता है और शुगर लेवल को एकदम से बढ़ा देता है लेकिन जो ब्राउन चावल होता है उसके ऊपर छिलका होता है उसमें फाइबर होता है तो फाइबर क्या करता है कि चावल को जल्दी हजम नहीं होने देता चावल हजम होने में लंबा समय लेता है जिसकी वजह से शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता तो इसीलिए कहते हैं कि सफेद चावल ना खाकर ब्राउन चावल खाए उसका यही कारण है तो बेसिक फंडा यही है कि आप कोई भी चीज खा रहे हैं चावल खा रहे हैं रोटी खा रहे हैं आटा खा रहे हैं कुछ भी चीज खा रहे हैं आपने देखना है कि उसमें फाइबर है या नहीं तो जिस चीज में ज्यादा फाइबर होगा वह चीज आपकी शुगर लेवल को ज्यादा नहीं बढ़ाएगी तो अब बात करते हैं आटे की तो आजकल जो शहरों में आटा मिलता है थैली में आटा मिलता है उसमें से फाइबर निकला होता है उसमें फाइबर ना के बराबर होता है क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वह फाइबर को अलग करके अलग बेचती हैं तो जो ऐसा ऐसी जिनमें मैदा ज्यादा हो फाइबर ना हो जल्दी हजम हो जाएगी शुगर लेवल को एकदम से बढ़ा देगी जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आपको क्या करना है अगर हो सके तो आटा ना खरीदें बल्कि आप गेहूं खरीदें गेहूं खरीदेंगे तो उसको आप सीधा चक्की पर लेकर जाएं और चक्की वाले को बोलें कि आपको साथ में छिलका चाहिए क्योंकि आजकल चक्की वाले क्या करते हैं कि वह भी छिलका निकाल देते हैं तो आपको चक्की वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई हमें साथ में छिलका चाहिए तो वह छिलका नहीं निकालेगा ऐसा आटा जो होगा उसमें फाइबर ज्यादा होगा और ऐसा आटा शुगर लेवल को जो नॉर्मल थैली वाला आटा होता है उसके मुकाबले कम बढ़ाएगा लेकिन अब यहाँ पर भी एक दिक्कत आ जाती है कि जो शहरों में लोग रहते हैं समय की कमी होती है उसकी वजह से वह लोग गेहूँ नहीं खरीद पाते और गेहूँ का आटा नहीं पिसा पाते तो ऐसे में आप क्या करें कि अलग से गेहूं का चोकर मिलता है गेहूं का फाइबर अलग से पैकेट में डिब्बे में बंद मिलता है कंपनियां बेचती है तो आप पता करें आपके पास जो कोई बड़ी दुकान होगी वहां से आपको मिल जाएगा छोटी दुकान से तो नहीं मिलेगा आसपास जो किराने की अच्छी बड़ी दुकान है वहां से आपको मिल जाएगा आप उनको बोले कि हमें गेहूं का चोकर चाहिए गेहूं का फाइबर चाहिए तो आप वह पैकेट ले आए और उस पैकेट को अपना जो नॉर्मल थैली वाला आटा है उसमें लाकर मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि आपके आटे में फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी और ऐसा आटा आपके लिए अच्छा होगा अगर आपको आपकी दुकान से आसपास दुकान से ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं एमेजोन से या फ्लिपकार्ट से बहुत सारी वेबसाइट से जहां से ये मिल जाता है लेकिन इसका एक और ऑप्शन भी है आप एक काम और कर सकते हैं आप गेहूं के आटे में कोई ऐसा आटा मिक्स कर सकते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होता है जैसे आप गेहूं के आटे में मक्की का आटा थोड़ा सा मिक्स कर लें थोड़ा सा चने का आटा मिक्स कर लें थोड़ा सा बाजरे का आटा मिक्स कर लें तो ऐसा करके आप एक मिक्स आटा बना लें, ऐसे आटे में फाइबर भी ज्यादा होगा और पोषक तत्व भी ज्यादा होंगे ऐसे आटे में कैल्शियम भी ज्यादा होगा बहुत सारी चीजें इसमें ज्यादा होंगी तो इससे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा एक तो ऐसा आटा खाने से आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा और दूसरा फाइबर ज्यादा होने की वजह से ऐसा आटा खाने से आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा और ऐसा आटा खाने से आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा तो आपको और भी पेट से संबंधित बीमारियां भी नहीं लगेंगी और अगर आपको कोई कब्ज वगैरह की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी तो आई थिंक आप समझ गए होंगे की आपको कैसा आटा खाना चाहिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको बारीक बिना फाइबर वाला आटा नहीं खाना आपको फाइबर से भरपूर जितना ज्यादा फाइबर होगा उतना डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए अच्छा है ज्यादा फाइबर वाला आटा खाने से आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए अपने आसपास जो डायबिटीज वाले लोग हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद